जैसे कि कल हमारे ISBT दिल्ली से हमें पत्र प्राप्त हुआ है FSO द्वारा कि दिल्ली में कुछ अनलॉक किया गया है, तो अनलॉक के कारण फिर ISBT पर बसों की डिमांड बढ़ी है, यात्रियां और यात्रियों का आवागमन ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए हमने आज से गाड़ियों में इंक्रीज किया है। तो 6 गाड़ी जैसे आज हम भेज रहे हैं, 2 नाइट भी करेंगे, तो सुबह वहाँ पर सवारियाँ होती हैं और जैसे जैसे वहाँ सवारियों की तादाद बढ़ेगी हम उसी के हिसाब से गाड़ियों को इंक्रीज कर देंगे। टाइमिंग सुबह 5 बजे से गाड़ी अवेलेबल होंगी, सुबह 5 बजे से जैसे जैसे सवारी होंगी उसी इंटरवल में हम बसें उपलब्ध कराएंगे। हाँ, 50% कैपेसिटी होगी गाड़ी में, उसी टाइम रवाना कर देंगे, नेक्स्ट गाड़ी काउंटर पर लग जाएगी, इसलिए टाइमिंग शेड्यूल नहीं होगा, 5 बजे से सवेरे स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा चंडीगढ़ बसें चल रही हैं हमारी, इलाहाबाद जा रही हैं और डबवाली जा रही हैं, और अभी हमने आज से कागदाना जो चोटा से आगे कागदाना पड़ता है वहाँ बॉर्डर तक हमने बस भेजना शुरू किया है, अप डाउन 2 गाड़ियाँ लगाई हैं ताकि पब्लिक को कोई असुविधा ना हो, जहाँ जहाँ हमें पब्लिक दिखाई देगी वहाँ गाड़ी भी उपलब्ध कराएंगे। मोटा मोटा आंकड़ा नहीं, अभी परसेंट तो 167 गाड़ी हैं, अभी तो हमारी 60 के करीब गाड़ियाँ चल रही हैं, अभी टोटल मिला के 60, उसमें क्या परसेंटेज आएगा, कोई इनकम है नहीं है, पब्लिक को सुविधा दे रहे हैं बस। नहीं, सवारियाँ तो वो प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रही हैं उसी हिसाब से, तो जैसे जैसे सवारी बढ़ेंगी तो सिटिंग फुल कैपेसिटी में भी गाड़ी चलेंगी, सवारी बढ़ेगी फुल कैपेसिटी में गाड़ी चलाएंगे और गाड़ियाँ और भी बढ़ाएंगे।